तो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। जीतू भैया ने कोटा फैक्ट्री में काफी खूबसूरत डायलॉग बोला है, तो मैं आज कोट करना चाहूंगा कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जेएमएस पेपर टू को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट पे आपको ओवरऑल 99% मिलेगा और कितने अटेम्प्ट पे आप एस पी दिल्ली सिलेक्शन आप ले सकते हो। तो ये आज चीज रहेगी। आज मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, आप अच्छे से इसको समझोगे ये उम्मीद है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने 13 और 14 अक्टूबर को जेईएमएस पेपर टू के लिए ड्राइंग और एप्टीट्यूड के फ्री सेशंस रखे हैं। वो दोनों 2 दिनों का सेशन रहेगा, 3 आवर्स डेली रहेगा इवनिंग टाइमिंग में। अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो ऊपर दिया गया नंबर पे आपको आपका नाम, आप कहाँ से हो और आप फ्रेशर हो के रिपीटर हो, इस पर आपको व्हाट्सअप मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का वीडियो, तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दो कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। एक कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनका ड्राइंग काफी अच्छा होता है। ड्राइंग अच्छा होता है इसका मतलब वो ड्राइंग में मेहनत करने के लिए रेडी है और डेली वो ड्राइंग करने के लिए रेडी है, तो वो इजीली 99% सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट होते हैं, सर ड्राइंग थोड़ा खराब है, वीक है, तो उनके लिए हम समझते हैं कि 90% बहुत हो जाता है, ड्राइंग में मिल सकता है। अगर आप अविनाश सर ने जो भी सिखाया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो तो आप 99 भी स्कोर कर सकते हो, 90 भी तो ईजी है। तो ये दो चीजें हैं। इसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ड्राइंग में पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से करे। एक्चुअली ड्राइंग एक सिलेबस काफी वास्ट हो गया है, गए 2 सालों से देखा गया है कि डिकोडिंग, 3D प्लेन या फिर हार्मोनिक कंपोजिशन, रिदमिक कंपोजिशन, ये सारी चीजें अब पूछने लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की इसकी वजह से मार्क भी गए हैं कि सर ये नहीं पता है क्या है, क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से अविनाश सर का जो एक्सपीरियंस है, लगभग लोग 32 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरी इससे भी ज्यादा उनका पढ़ाने ड्राइंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको इसमें सबसे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इसको आपको टारगेट हासिल करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ड्राइंग में मिलना मिलाना इतना मुश्किल नहीं है, बस कोशिश ये रहनी चाहिए कि 90 मिनट्स में आप 2 क्वेश्चन कर पाओ, 90 मिनट में 2 क्वेश्चन कर पाओ, और एग्जाम तक आपको 200 असाइनमेंट करनी है। 200 असाइनमेंट आपको करनी है, जो भी सर आपको देते हैं वो सारी असाइनमेंट आपको करनी है। तो बस इतना टारगेट है, तो आप इजीली 99 भी मिला सकते हो और आपको एसपी दिल्ली सिलेक्शन भी थोड़ा करीब आप पहुंच जाओगे। सेकंड बात करते हैं, जो दो मेरे सब्जेक्ट है, मैथ्स है और एप्टीट्यूड है। देखो एप्टीट्यूड तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमन, मतलब अच्छा सब्जेक्ट होता है, अच्छा माना जाता है कि सर एप्टीट्यूड में हम स्कोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्कोरिंग रेंज है वो काफी वाइड रखते हैं, 39 क्वेश्चन टू 45 क्वेश्चन, ये स्कोरिंग रेंज हम रखते हैं। अगर आप इसमें इतने क्वेश्चन आप कर पाते हो 39 के ऊपर विद एक्यूरेसी और 45 के अंदर विद एक्यूरेसी, मतलब 42 43 क्वेश्चन आप कर पाते हो, तो फिर भी आप ओवरऑल 99% इजीली मिल सकता है। ये भी आपको ओवरऑल 99% दिला सकता है, पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से, ये और ये या फिर ये और ये, दोनों में कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको जो सूट करे वो आपको 99% दिला सकता है। अब तीसरी बात करते हैं कि सर ये 45 क्वेश्चन निकालने कहाँ से है, करने कहाँ से है। तो देखो 45 क्वेश्चन का डिवीजन क्या होता है एग्जाम में, तो इनका डिवीजन रहेगा 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के और 15 क्वेश्चन जीके के। तो जो जीके में 15 क्वेश्चन कर पाता है उसका 99% फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर आप जीके में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी कर पाते हो तो भी आप इजिली एसपीए दिल्ली मिल सकता है, क्योंकि इस साल मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एप्टीट्यूड के बस 42 क्वेश्चन किए थे। सर 100% एक्यूरेसी, बस 42 क्वेश्चन है, फिर भी उनका एसपीए दिल्ली सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ड्राइंग में उनको 99% थे और मैथ्स में उन्होंने 2 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट या 0 अटेम्प्ट भी किए थे, फिर भी उनको एसपीए दिल्ली सिलेक्शन लिए है। तो अब देखते हैं मैथ्स की जो कैटेगरी स्टूडेंट है वो कैसे रहेंगे। देखो मैथ्स में 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड करते हैं कि 0 टू 2 क्वेश्चन, सर एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में, सर बस एक क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। सेकंड कैटेगरी लेते हैं कि 2 टू 5 क्वेश्चन या फिर 2 टू 7 क्वेश्चन कर पाएंगे, और थर्ड क्वेश्चन कैटेगरी लेते हैं 7 टू 12 क्वेश्चन। देखो जो 7 टू 12 क्वेश्चन कर पाते हैं एग्जाम में उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, उनको तो मैथ्स में ही और 99% मिल जाएगा, और ओवरऑल में से किसी एक में भी 99 मिल जाए तो एसपी दिल्ली फिक्स हो जाता है, तो ये तो बात बहुत अलग है। पर जनरली जो मेजोरिटी स्टूडेंट हमें मिलते हैं, क्लासेस हम लेते हैं, मैंने लगभग लगभग 200-300 स्टूडेंट की क्लासेस ली है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जनरली स्टूडेंट इस कैटेगरी में ज्यादा होते हैं। अगर हम बात करें कि इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कि सर मैं 2 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा मैथ्स में या फिर 1 क्वेश्चन ही मैथ्स में कर पाऊंगा, तो उसको ओवरऑल 99 कैसे मिलेगा। तो देखो ये एक कंडीशन हो गई,
कि आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट करना है, एक करो। एप्टीट्यूड में कमिटमेंट चाहिए कि 45 क्वेश्चन के आसपास आप कर पाओगे, मतलब 43-44 क्वेश्चन आप कर पाओगे। और ड्राइंग में जो बताया है 99% आपको करना पड़ेगा। ड्राइंग में 90 मिनट्स डेली प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन डेली और 200 असाइनमेंट अप टू एग्जाम, ये चीज़ें करनी पड़ेगी तभी आपको एसपी दिल्ली मिलेगा, क्योंकि आपने मैथ्स ऑलरेडी छोड़ रखा है, आपने ऑलरेडी मैथ्स स्किप किया है, आप उसमें मेहनत करने के लिए भी रेडी नहीं हो, फिर भी आप एसपी दिल्ली मिला सकते हो। बस प्रॉपर गाइडेंस इन दो सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं कि ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट मेजोरिटी होते हैं कि सर मैं 3-4 क्वेश्चन कर पाऊंगा, तो उनके लिए भी यही होता है 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 40-45 क्वेश्चन और ड्राइंग में 90 परसेंटाइल के ऊपर, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है, तो अगर आप ये मैनेज कर पाए, आप 7-12 क्वेश्चन मैनेज कर पाए, तो आप ऑल इंडिया में टॉप 100 में भी आ सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टॉप 100, आप इसमें टॉप 100 में भी आ सकते हो। जो हमारा स्टूडेंट था प्रियांशु गोयल, तो उसने वही किया था कि सर मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो उसने 14 क्वेश्चन मैथ्स के किए थे, एप्टीट्यूड में उसने 46 क्वेश्चन किए थे, और जो ड्राइंग था वो तो उसने थोड़ा मार्क कम मिले थे, तो उसको ड्राइंग में 95 परसेंटाइल थे, तो उसका रैंक ओवरऑल 45 आया था। उसी तरीके से आप अगर देखोगे कि स्वस्तिक शर्मा, जो एक कॉमन जिनका मैथ्स, उसने मैथ्स के बस 2 क्वेश्चन किए थे, एप्टीट्यूड के उसने 44 क्वेश्चन किए थे, और ड्राइंग उसका काफ़ी अच्छा था, 98 परसेंटाइल उसको ड्राइंग में भी था, फिर भी उसको एसपी दिल्ली मिला है, ओवरऑल उसको 99 परसेंटाइल मिला है। इसकी वजह से मैं चीज़ें बोल पाऊंगा कि मैंने रिजल्ट देखे हैं स्टूडेंट के, मैंने खुद रिजल्ट चेक किया है, उनको बात की है कि आपने कितना मैथ्स अटेम्प्ट किया था, कितना एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया था, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बोल पा रहा हूँ। अब तीसरी बात करते हैं, सर ये मैथ्स करेंगे कहाँ से? तो देखो, आपने मेरा कोई इजिकल वीडियो देखा है, इजिकल टॉपिक का वीडियो देखा है, या फिर नेहा अग्रवाल मैडम का इजिकल टॉपिक का वीडियो एक बार देख लो, इजिकल टॉपिक। तो इजिकल टॉपिक में आपको 2-3 टॉपिक ऐसे मिलेंगे कि आपके 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर करा दे, ठीक है, आप 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर पाओ एग्जाम में। ऐसे इजिकल टॉपिक होते हैं, तो इनको अच्छे से देख लो, और इनमें से कोई भी आपका कंफर्ट जोन डिसाइड करके आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको, आपका कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, और आपको एसपी दिल्ली मिलाने के लिए किस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।